हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है मनी, टॉपिक का नाम है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी वो मनी है जो सरकार इशू करती है और सरकार के ऑर्डर पे ही इशू होता है। वैसे सेंट्रल बैंक इशू करता है, सेंट्रल बैंक भी सरकारी होता है इसलिए। तो इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फिएट मनी वो मनी है जिसके पीछे सरकार की अथॉरिटी होती है और सारे लोगों को वो एक्सेप्ट करना ही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आपको कोई पैसे, आप किसी को पैसे दे रहे हो, हल्के फुल्के फटे भी हुए हैं और अगला मना कर रहा है, तो इस बात पर आप उसे ये कह सकते हो कि यू कैन नॉट डिनाई, आप डिनाई नहीं कर सकते लेने से। और अगर वो डिनाई करता है, उससे रिटर्न में ले लोगे तो वो अंदर हो सकता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि फिएट मनी वो मनी है जिसके पीछे सरकार की अथॉरिटी है कि ये चलेगा ही चलेगा। और इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, जिसको एच मनी भी कहते हैं। एच मनी मतलब सीधा ऐसे लिखना, एच मनी, समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।